Good morning everyone, this is Shweta Khatri and I welcome you all on my YouTube channel. So in my previous video, you must have seen the places that we visited and covered near Kaza. और आज हम जा रहे हैं चंद्रताल के लिए. So ये video भी जरूर देखिएगा पूरा, just to know how the चंद्रताल is, कैसा experience रहता है, कौन कौन सी places है जहाँ pictures click कर सकते हैं, टेंट का कैसा वहाँ पे इंतजाम रहता है, कितनी ठंड है और खाने पीने का वहाँ कैसा सिस्टम है, सब कुछ मैं कवर करने वाली हूँ आज की वीडियो में. सो स्टे ट्यून्ड. सो काजा से चंद्रताल करीबन 100 किलोमीटर दूर है, तो बहुत लंबा डिस्टेंस है और सामान हमारे पास ज़्यादा था, तो हमने इस तरह से ऊपर यू नो गाड़ी के ऊपर बनवा लिया था और उस पर कवर भी कर दिया था ताकि उसमें धूल ना चढ़े, क्योंकि यहाँ धूल का बहुत इशू है, बहुत कच्ची रोड है. तो ये आप थोड़ा ध्यान रख सकते हो, तो सामान आपका ख़राब नहीं होता, अंदर कपड़े ठीक रहते हैं. दैट इज़ की मॉनेस्ट्री, आप देख सकते हो कितनी ऊंचा है ये, कितना दूर है. कल जाम गए थे, यही मैं आपको पर्सपेक्टिव के लिए दिखा रही हूँ. काजा से चंद्रताल जाते समय इस तरीके की जो सीधी सीधी रोड है ना, इसमें पिक्चर्स बहुत अच्छी आती है, तो आप जरूर ट्राई करिएगा. सीनिक व्यू तो आप देख ही रहे हो. पीछे भी रोड है, आगे भी रोड है. सो मॉर्निंग में हम करीबन निकले थे 10 बजे और यहाँ पहुँचते पहुँचते हमें बच गए थे 2:15, जबकि हमने लंच ब्रेक भी नहीं लिया बीच में. और ये जो येलो और वाइट कलर के कैंप दिख रहे हैं दूर से आपको, यही है चंद्रताल लेक के 3 किलोमीटर पहले कैंप. इसे आपको एडवांस से बुक करना पड़ेगा और यहाँ स्टे का ऑप्शन है जून से लेकर अक्टूबर तक का, क्योंकि उसके बाद यहाँ बहुत ज़्यादा ठंड हो जाती है. अब मैं आपको दिखाने वाली हूँ इस कैंपिंग एक्सपीरियंस का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, और वो है ये टेंट जहाँ पे आप बहुत ठंड भरी रात गुजारने वाले हैं. ऑल दो इन्होंने पूरी चारों तरफ से इस टेंट को कवर किया है और कोशिश की है कि ठंडी हवा ना आए, लेकिन -degree centigrade में इस तरीके के कैंप में आपको ठंड लगनी बिल्कुल स्वाभाविक है, इट इज़ क्वाइट नेचुरल. कोशिश तो पूरी है, देखिए हर तरफ से हर चीज़ यहाँ पे बंद है, लेकिन ठंड बिल्कुल आपको लगेगी. अगर आपको बहुत ज़्यादा ठंड लगती है, आप सहन नहीं कर पाते हैं, तो मैं आपको बिल्कुल एडवाइज़ नहीं करूँगी इस कैंपिंग एक्सपीरियंस के लिए. लेकिन अगर आप एडवेंचरस हैं, आप मज़े लेना चाहते हैं इस तरीके की ठंड की, तो ज़रूर कैंपिंग करिएगा, ये अपने में एक यूनिक एक्सपीरियंस है. इस तरीके के यहाँ पे बेड लगे हुए हैं और एक्स्ट्रा बेड भी अगर आप चाहें तो उनको बोल के इस तरीके से लगवा सकते हैं. कंबल ओढ़ने के लिए दिया जाता है यहाँ पे, बट फिर भी ठंड बहुत होती है. और इस तरीके का बेसिक यहाँ पे वॉशरूम की फैसिलिटी है जो नीट और क्लीन था. और ये जो नल आप देख रहे हो यहाँ पे, रात के बाद जो पानी है वो बिल्कुल बर्फ बन जाता है और सुबह आपको यहाँ से पानी मिलेगा ही नहीं, तो इसलिए बकेट दी हुई है, इसमें आपको पानी भर के रखना है और सुबह वही चिलिंग कोल्ड पानी आपको यूज़ करना है ब्रश और बाकी चीज़ों के लिए, फ्रेश होने के लिए. और इसके बाद मैं आपको दिखाने वाली हूँ किचन एरिया जहाँ पे खाना बनता है. ये जो ब्लैक कलर का टेंट एरिया है, ये इसके अंदर है किचन. मैं ले सकती हूँ वीडियो, वेव कर दो एक बार ऐसे. ये है छोटा सा सुंदर सा किचन, यहाँ देखिए आप कितने मुश्किल से मैनेज करते होंगे. मैगी बन रही है अभी लंच के लिए. किचन के सामने ही है डाइनिंग एरिया जहाँ पे सब लोग रात को बैठ के एक साथ डिनर करने वाले हैं, और इतनी हार्डशिप में भी इतने अच्छे से इन्होंने मैनेज किया है, ये रियली अप्रिशिएटिंग है. और बच्चे भी ये देख के बड़े ही एस्टोनिश फील कर रहे थे. सो हमने लंच में खाई मैगी, क्योंकि कुछ और बनने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, तो ही सेड कि मैगी बना सकता हूँ मैं, तो हमने बोला ठीक है हम मैगी खाएंगे और निकल जाएंगे चंद्रताल लेक के लिए. तो फटाफट हम सब ने मैगी खाई और हम निकल गए चंद्रताल लेक की तरफ. सो कैंप से हम जाएंगे एक एरिया में जहाँ पे हम अपनी गाड़ी पार्क करेंगे और वहाँ से हमें पैदल थोड़ा सा डिस्टेंस ट्रैवल करना है. ये है वो पूरा पार्किंग का एरिया जहाँ सारी गाड़ियाँ खड़ी होती हैं, और यहाँ से आप चलना शुरू करते हो. दिस इज़ द ट्रेल, दूर तक दिख रहा है. पीछे हमने पार्किंग में गाड़ी छोड़ दी है और यहाँ से करीबन 700 मीटर्स हमें वॉक करना है, और आराम आराम से करना है क्योंकि ये प्लेस थोड़ी हाइट पे है और ऑक्सीजन कम होता है. बिल्कुल हड़बड़ नहीं करनी है, नहीं तो आपकी सांस फूलने लग जाएगी. जस्ट कीप एंजॉइंग एंड कीप वॉकिंग स्लोली.
आई वुड से कि दिस प्लेस इज़ ब्यूटिफुल, बहुत मज़ा आएगा, बट हाँ ये लग्जरियस ट्रिप नहीं है। आप बिल्कुल ये सोच के मत चलना कि यहाँ आप बहुत ज़्यादा आराम आराम करने वाले हैं, क्योंकि लग्जरी ट्रिप में से नहीं है। यहाँ आपको थोड़ा सा थोड़े बहुत चैलेंजेस आएंगे, बट इफ़ यू रियली लाइक एडवेंचर एंड इफ यू रियली वॉन्ट टू सी ब्यूटिफुल प्लेस, द ब्यूटी दैट गॉड हैज़ क्रिएटेड, देन आई वुड डेफिनेटली एडवाइज यू टू विजिट स्पीति वैली। अभी जहाँ मैं चल रही हूँ, मेरे पीछे तो आप देख ही रहे हो, आप इस तरफ भी देखो, ऑल अराउंड यू विल फाइंड द ब्यूटी दैट गॉड हैज क्रिएटेड। सामने पहाड़ पे बादलों की शैडो पड़ रही है, मतलब इमेजिन करना भी मुश्किल है, और मैं यहाँ साक्षात इसे देख रही हूँ। लेट मी ट्राई, अगर आपको मैं दिखा सकूँ। स्पीति वैली की एक और खास बात है कि यहाँ आपको बहुत भीड़ भाड़ नहीं मिलेगी। यूजुअली जिस भी आप टूरिस्ट प्लेस पे जाते हो ना, बहुत क्राउडेड सा मिलता है, बट यहाँ आप देख ही रहोगे जब मैं वीडियो बना रही हूँ तो हार्डली मेरे आगे पीछे आसपास जो है एक आधी बंदा ही दिख रहा होगा। तो ये भी यहाँ की खास बात है, यहाँ पहुँचना आसान नहीं है, इससे शायद लोग कम आते हैं और इसलिए आप और भी ज़्यादा इन्जॉय कर पाते हो। ये है दूर से चंद्रता लेक, कितनी पायस, कितनी ब्यूटीफुल ग्रीन कलर वाटर। मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं ये है चंद्रता लेक, इसकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। यहाँ जो लोकलाइट्स हैं वो इसको बहुत ऑस्पिशियस मानते हैं, और यहाँ पे इसीलिए नहाना और इसे गंदा करना बिल्कुल अलाउड नहीं है। और आप देखिए यहाँ पे भी जो फॉलो करते हैं ना इस तरीके के, ये मंत्र इस पर लिख कर ये हमेशा बांध देते हैं, और ये बिलीव करते हैं कि ये मंत्र हवा के साथ पूरे एनवायरनमेंट में फ्लोट करता है और ये पॉजिटिविटी लाता है। इसका पानी पूरा ग्रीन है, इतना पायस, इतना ब्यूटीफुल, इतना क्लियर वाटर, और मुझे लगता है कि इससे सुंदर जगह शायद ही मैंने देखी होगी। अब हम वापस जा रहे हैं, और आप मेरे फेस से अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितनी ज़्यादा ठंडी हवा है यहाँ पे। सामने से आप देख रहे हो लोग आ भी रहे हैं, इस समय भी जब हम वापस जा रहे हैं तब लोग आ रहे हैं, और ये स्नो के बड़े बड़े माउंटेन्स दिख रहे हैं आपको, इतना ब्यूटीफुल है ये पूरा। कैमरे पे जैसा दिख रहा है उससे कहीं ज़्यादा ब्यूटीफुल है ये सामने। अभी मुझे हमेशा ये लगता है कि कभी भी कहीं जाने के लिए जब हम रास्ता लेते हैं तो वो ज़्यादा लंबा लगता है एज़ कम्पेयर टू जब हम उस रास्ते से वापस जा रहे होते हैं। सेम ऐसी फीलिंग अभी मुझे आ रही है, बहुत ही जल्दी ऐसा लग रहा है मैं वापस पहुंच गई हूँ गाड़ी के पास। वी हैव जस्ट रीच्ड दैट पार्किंग एरिया। चिलिंग कोल्ड है, पूरा फुल्ली हम लोग पैक्ड हैं, तब भी बहुत ठंड लग रही है। और ये है पूरे टेंट का माहौल, ठंडी ठंडी हवा है, कोई भी टेंट से बाहर नहीं आया है। और अभी मैं जा रही हूँ सूप पीने, आई होप वो गर्म ही रहे मेरे पहुँचने तक। हमने डिनर जल्दी कर लिया था क्योंकि हमारे लिए बहुत लॉन्ग डे था और हमने दोपहर को भी ठीक से खाया नहीं था, तो हमने इसके बाद थोड़ी देर बैठे और गप्पे वप्पे मारी और हमें ताश वाश खेला। बट ऐसा जो कैंपिंग एक्सपीरियंस होता है ना, जैसे बाहर बैठ के लोग आग जला के गाने वाने गाते हैं, यहाँ ऐसा कोई भी नहीं कर रहा था क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा चिलिंग कोल्ड था। बट हाँ, खाना बहुत अच्छा था, बहुत अच्छे से इन्होंने सर्व किया, हमने फटाफट खाना खाया, थोड़ी बहुत मस्ती करी और फिर हम सो गए थे। सो बाहर ऐसा कोई भी दिख नहीं रहा था बैठा हुआ इन्जॉय करता हुआ। इट वॉज टू कोल्ड इन द नाइट, बहुत ज़्यादा ठंड थी, और सुबह उठने में भी इतना, मतलब आई वॉज फीलिंग लेजी।
आई एम क्वाइट सरप्राइज कि यहाँ जो लोग मैनेज कर रहे हैं वो मतलब कैसे कर पा रहे हैं, क्योंकि रात इतनी ज़्यादा ठंड थी कि पानी जो है वो बर्फ बन चुका था, नल में भी इनफैक्ट पानी नहीं आ रहा है, और यहाँ पे सब लोगों को पानी खाना बिल्कुल फ्रेश 8 o'clock बिल्कुल गरम गरम पूरियाँ और छोले इन्होंने बनाए थे, और ये सब कुछ मैनेज कर रहे हैं इतने अच्छे से. रियली हैट्स ऑफ टू दीज पीपल. बट हाँ, द पॉजिटिव पार्ट इज़ कि यहाँ सुबह 8 बजे तक धूप बहुत अच्छी निकली हुई है, एज़ यू कैन सी. सो अच्छा लग रहा है धूप में खड़े होना. आई जस्ट फिनिश्ड हैविंग माई ब्रेकफास्ट, अब बस रेडी होके हमें निकलना है मनाली के लिए वापस. सो अगर आपका भी टेंट पे रुकने का प्लान है तो कीप इन माइंड कि अच्छी खासी ठंड होगी, उसके हिसाब से ही आप अपने कपड़े भी रखिए और उसके हिसाब से ही अपना पूरी तैयारी रखिए. यहाँ पे स्टे में तभी आपको एडवाइस करूँगी अगर आपकी फिटनेस लेवल अच्छी है और आपको हाई एल्टीट्यूड में ब्रीथ करने में प्रॉब्लम नहीं होती है. अदरवाइज इट कैन बी थ्रिलिंग बट इट कैन बी डेंजरस. और अपने साथ मेडिकल किट और प्रॉपर वुलन क्लोथ्स रखना मत भूलिएगा.